छतरपुर में एक निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी बैक डेट में फाइलें निपटाकर गड़बड़ी कर रहा था। कलेक्टर को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने कड़ा एक्शन लेते हुए छापामार कार्यवाही की। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एमके कोटारे के निलंबन होने के बाद ऑफिस में बैठकर बैक डेट में कार्य निपटाने की जानकारी लगते ही कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने तत्काल एक्शन लिया और कोषालय अधिकारी बी के श्रीवास्तव को डीईओ ऑफिस में छापा मारने के निर्देश दिए, जिसकी खबर लगते ही प्रभारी डीईओ एमके कोटारे ऑफिस से निकल गए। डीईओ ऑफिस के कर्मचारियों को कलेक्टर की टीम ने हिदायत दी, किसी कर्मचारी ने गलत किया या अब भुगतान हुआ तो बड़ी कार्यवाही की जाएगी। मीडिया के माध्यम से कुछ इस प्रकार की खबरें आई थी कि श्री कोटार साहब कुछ वित्तीय अनियमितता एवं प्रशासनिक अनियमितता कर रहे हैं, तो माननीय कलेक्टर सर के निर्देश से हम निरीक्षण करने आए थे कि कहीं ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है, लेकिन यहाँ निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला है, जबकि कोटार साहब यहाँ उपस्थित भी नहीं मिले और श्री असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन यहाँ उपस्थित, उनसे भी मैंने जानकारी ली कि कोई किसी भी प्रकार की आज की तिथि में उनके द्वारा कोई आदेश या निर्देश दिए गए हों, तो ऐसा भी मैंने रिकॉर्ड भी चेक किया है, ऐसा कुछ नहीं पाया गया। एक माननीय न्यायालय का प्रकरण था तो उस प्रकरण के संबंध में उन्होंने एक आदेश किया है जो सुबह के समय किया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।